अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, स्पेशल बकरा ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मेहंदी लगवाऊँ, तो अभी मेहंदी को मैं सेट कर रही हूँ। और आप लोग सब सुनाएं, कैसे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ मेरी वीडियो देखी जा रही है, और आप लोगों की ईद का पहला दिन माशाल्लाह कैसे गुजर रहा है। अदनान नासिर साहब, हाय, कैसे हैं आप? तो आज मैंने सोचा कि मेहंदी लगा लेती, क्योंकि पिछली ईद पे मैंने मेहंदी नहीं लगाया था, तो आज मैंने पहली माशाल्लाह मेहंदी की कोन ले ली और मैं लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। लास्ट ईद तो कोरोना में गुजरी थी ना, काफी हालात खराब थे, काफी ज्यादा थे, अब तो अल्हम्दुल्ला काफी बेहतर हो गई सब है। और लोग सब बहुत लोग, डरे हुए थे, अब तो शुक्र है अल्लाह का। काफी लोग वैक्सीन वगैरह लगवा रहे हैं ना, इसीलिए काफी ठीक जा रहा है। अब ज्यादा केसेस नहीं आ रहे, अल्लाह करे, ये दुआ करें कि ये भी खत्म हो जाए कोरोना जो अभी है। किसने क्या क्या कुर्बानी में हमारे तो घर के बाहर सारी आवाजें आ रही हैं, है ना? हिस्सा, किसी का बड़े में है, किसी का छोटे में है, बस अल्लाह पाक सबकी कुर्बानी कबूल करे। आमीन। एक मिनट, इस तरह से आपको इसका, आप अगर पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो ये यूट्यूब पे भी जाएगी, तो प्लीज आपने उस सोनिया व्लॉग्स के चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है। वालेकुम अस्सलाम मुस्तफ़ा साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी वीडियोस मैं देखती हूँ, बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह, और थैंक यू, आप सपोर्ट करते हैं मुझे और मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। नवाब शाह, आप कहाँ से हैं? क्योंकि हमारे भावलपुर भी नवाबों का है, और आपका नाम है या आप किसी सिटी से हैं, क्या मतलब आपने आईडी का नेम रखा हुआ है? मुझे तो ये वाली मेहंदी, अच्छा मैंने भी वो करनी है ना मेहंदी, सोच रही स्टाइल में लगा लूँ थोड़ा सा चेंज करके। सुनाए किसने किसने मेहंदी लगा ली? ये मेहंदी के मैं डिजाइन लगा रही हूँ, आप लोग सब क्या कर रहे हैं? आउट ऑफ कंट्री से जो भी हैं, तो उन्हें सबसे पहले जी मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसते मुस्कुराते रहें और मज़े मज़े के खाने खाते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों की दुआएं हैं, इतना आप लोग प्यार देते हैं तो फिर मुझे क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। ये ठीक लग रही है, हाँ मेहंदी अच्छी लग रही है। वैसे लड़कों की तैयारी में ये मेहंदी तो नहीं होती, लेकिन इनके भी बड़े वैसे काम होते हैं, सैलून चले जाते हैं और प्यारे प्यारे ड्रेसेस स्टिच करवाते हैं। आप लोगों की तैयारी हो गई कंप्लीट? लड़की भी वैसे छुपे रुस्तम होते हैं, अपनी फुल तैयारी रखता है वो। हाँ ये तो है, ये बड़ी ईद वैसे होती है, बिजी ईद है सबकी, बेचारे आदमी सब मर्द कुर्बानी। हजरात है ना, हाँ, काफी बिजी होते हैं, और औरतें घर में होती हैं, बस सारा गोश्त ही गोश्त माशाल्लाह। अल्लाह पाक सबकी कुर्बानी कबूल करे। आमीन आमीन। आप लोग सब दुआ कीजिएगा। सबसे पहले आप क्या खाते हैं? अच्छा, हमारी अम्मी पूछ रही हैं जी, सबसे पहले आप क्या खाते हैं घर में बकरा ईद पर? अब छोटी ईद पर तो सेवैयां बनती हैं, तो बकरा ईद पर क्या बनता है? ज्यादातर मामा वो कलेजी खाते होंगे, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है बनते हुए, हर बंदे की हाँ अपनी कोई रीति रिवाज होगा ना, कोई मीठा बनाता है हाँ कुछ। कोई मीठा भी बनाता है, कुछ चेंज करके की डिशेस बनाते, कोई चना चाट बनाता है, और इस क्योंकि वैसे चटपटी ईद है, खाने खाने होते हैं, मीठा तो होता है ना घर पे। हम लोग जी बनाते हैं घर में, मीठा होता है हमारे घर में, हम लोग जर्दा बनाते हैं, कलरफुल मुतंजन भी, डिफरेंट जिसका जो दिल चाहे, लेकिन मीठे में बनता जरूर है ना?
सोनिया मेरी मेहंदी ठीक लग रही है? हाँ जी माशाल्लाह। हाँ ये भी आप लोगों को मैं एक मशवरा दे रही हूँ, बल्कि मेरी मम्मा दे रही है कि जो भी मेहमान है आप लोगों ने आइसक्रीम खिलाना है। खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत बहुत चांद रात मुबारक हो। तो आपने आइसक्रीम खिलानी है जी सबको, आपके घर जो भी मेहमान है, ताकि वो ठंडे हो जाएं और मीठा भी कुछ हो जाए। अम्मी को आपका सलाम, सलाम दे रहे मम्मा सब लोग। मम्मा आप सबको दुआएं दे रही हैं, अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, और वालेकुम अस्सलाम कह रही हैं। मुझे तो ऐसी मेहंदी बहुत पसंद है, सिंपल सी। हाँ मुझे भी अच्छी लग रही है वैसे। मुझे तो वो पुराने, जैसे पुराने जमाने में नहीं मेहंदी लगाते हैं छल्ले वाले, राउंड राउंड, अच्छा लगता है। मेरा तो कब, अब मेरा दिल ये करता है कि जैसे वो बचपन में नहीं, हमारी नानी अम्मा या दादी अम्मा हमें बताती थी कि हम मेहंदी अपनी मुट्ठी में लेके सो जाते थे, तो सुबह उठते थे वो लाइंस होती थी। मेरा भी कभी कभी बहुत दिल करता है कि उस टाइप की मैं मेहंदी लगाऊं। आप लोग बताएं कि मैं किस टाइप की मेहंदी लगाऊं। आज जो मैं मेहंदी लगाऊंगी वो सबकी फरमाइश पे होगी, चाहे वो मुट्ठी वाली हो, चाहे वो गोल टिक्की वाली हो, या फिर डिजाइनिंग में। आप लोग सब बताएं। खैर मुबारक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ 3 दिन। अच्छा आप सब लोग ये बताएं कि आपके घर में पहले दिन कुर्बानी होती है, दूसरे दिन होती है, या तीसरे दिन? डिपेंड करता है कसाई पर। कसाई ये बता, वैसे कसाई सबको मिल गया या कुछ रहते हैं जो सुबह ढूंढ रहे होते हैं? वैसे कसाई उस दिन बहुत लोग बने हुए होते हैं। सब होते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है सबसे ज्यादा कसाई पर डिपेंड करता है कि आप गोश्त कब बनेगा। आप लोग प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और वहाँ पे बहुत मजे मजे की वीडियोस हैं, और रेसिपी भी मैंने दी है। स्पेशली आज जो मैंने व्लॉग बनाया था वो आउट ऑफ कंट्री के लिए था, जो वहाँ के मेरे व्यूवर्स हैं वो बहुत मिस कर रहे थे अपने घर वालों को, और पाकिस्तान के मजे मजे खाने अपनी अम्मी के हाथ के, अपनी बीवी के हाथ के। तो आज मैंने बहुत इजी और मजेदार रेसिपी आप लोगों के पास भेजी है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। मामा ये देखे, ठीक है, और कुछ बनाओ? नहीं काफी नहीं है, बस मेरा दिल चाहता है मैं मेहंदी लगाती रहूं, मुझे मेहंदी बहुत पसंद है। किस भाभी को जी बहुत बहुत ज्यादा सलाम मेरा दीजिएगा, बहुत मजे की वीडियोस होती हैं आपकी माशाल्लाह। आए आप भी आए भावलपुर, आपको लगा देंगे भाभी मेहंदी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा भाभी देख रही है वीडियो? नहीं, ये मेरे एक व्यूवर हैं, बहुत अच्छे, इनका भी चैनल है। तो भाभी को जी मेरा बहुत सलाम। कल की आप लोगों की सबकी तैयारी हो गई है, सूट वगैरह प्रेस हो गए हैं, लड़कियों की मेहंदी लग चुकी है, या अभी सैलून बैठे हैं? काफी नहीं है ऐसे डिजाइन, सभी छोड़ दूंगी। अच्छा आज भावलपुर का मौसम बहुत अच्छा था, माशाल्लाह बादल आए हुए थे, बस ये है कि बारिश तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर सब लोगों को प्रॉब्लम होती है। जिसने भी लगवानी है मेहंदी वो आप आ जाए भावलपुर में, फ्री ऑफ कॉस्ट में लगा दूंगी, अगर आप अभी पहुंच सकते हैं तो। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। बस ये मेहंदी मेरी कंप्लीट हो गई है, अब आप बताएं कि मैं आगे कौन से, मतलब डिजाइन की लगाऊं, डिजाइन में लगाऊं, या वो पुराने जमाने वाली मुट्ठी वाली, या फिर वो छल्ले वाली, आप लोग मुझे जरा सिलेक्ट करके बताएं। ये देखें जी कंप्लीट माशाल्लाह। ये जी है मेहंदी हमारी आज की,
इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। तो जी मेरी वीडियो यहाँ तक थी, आई होप आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह जी कल एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगे। और आज की मैंने आपको चांद रात की वीडियो दिखा दी है, तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। पकड़ो।